थ्री पॉइंट्स पी पी एक पॉइंट का नाम है पी, उसके कोऑर्डिनेट है एच के, दूसरा पॉइंट है क्यू, उसके कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन, तीसरा पॉइंट है आर, उसके कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू। कह रहा तीन पॉइंट है पी क्यू आर, लाई ऑन अ लाइन, क्या दे रखा है, तीन पॉइंट एक ही लाइन के अंदर लाई करते हैं। अच्छा, अगर तीन पॉइंट एक ही लाइन के अंदर लाई करते हैं तो इसका मतलब क्या है, कोलिनियर है। अरे हाँ या ना, ये गिवन है, ठीक है। तो बना लेते हैं एक लाइन, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पी है, एक क्यू है और एक आर है। पी के कोऑर्डिनेट क्या है, एच के, एच के। क्यू के क्या है, एक्स वन वाई वन, और आर के क्या है, एक्स टू वाई टू, ठीक है। फिर उसके बाद शो करना आपको लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो यहां पे कुछ भी लेट नहीं किया मैंने, आपके पास गिवन है बस खाली सब कुछ, तो लेट कुछ करना ही नहीं है, लेट करने की जरूरत पड़ेगी तब लेट करते हैं, अदरवाइज लेट नहीं करते हैं। हम चाहे तो ये लेट कर सकते हैं, स्लोप ऑफ पी क्यू एम वन, स्लोप ऑफ क्यू आर क्या एम टू। चलो ये लेट कर लेते हैं, लेट लेट स्लोप ऑफ, या इसमें लेट करने की खास जरूरत नहीं है, खास जरूरत नहीं है, चाहो तो कर लो, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं क्रिएट कर रहा, सिंपल सा कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें लेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ रही है बात भाई, करना है लेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करना तो सीधा हम लिख देंगे स्लोप ऑफ पी क्यू, उसका नाम एम वन रख दोगे तो एम वन लिख देना, ध्यान देना, अच्छा ध्यान देना, यहां तक क्लियर भाई। तो लेट नहीं कर रहे, सीधा गिवन लिख रहे हैं, क्या गिवन है बोलो, थ्री पॉइंट पी क्यू आर, आर थ्री पॉइंट पी क्यू आर लाई ऑन अ लाइन, तीन पॉइंट्स हैं वो क्या है, एक ही लाइन में लाई करते हैं, इसका मतलब क्या गिवन है, पी क्यू आर आर कोलिनियर, ये गिवन है, अरे दे रखा है ये कोलिनियर। फिर हमें क्या शो करना है, टू शो, क्या शो करना है, ये एच माइनस एक्स वन और वाई टू माइनस वाई वन और इज इक्वल्स टू के माइनस वाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन, ये शो करना है, ठीक है भैया, ये गिवन और ये शो करना है, क्लियर है भाई। ये हो गया स्टेप वन, क्या हो गया, इसमें लेट करने की जरूरत नहीं थी, करता तो थोड़ा बड़ा हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम वही लाइन लिखेंगे बस खाली, अभी बताऊंगा लेट करते तो क्या होता, ये गिवन हो गया एंड टू शो हो गया। अब क्या करते हैं, हम गिवन को एक्सप्लेन करते हैं, याद आएगा, तो गिवन, गिवन क्या है हमारे पास, पी क्यू आर, आर क्या कोलिनियर, ये कोलिनियर है। अच्छा अब बता दो, अगर पी क्यू आर कोलिनियर है तो खास बात क्या होगी, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो क्या होगा, स्लोप, स्लोप ऑफ पी क्यू बराबर क्या, तो ठीक है, अगर ये कोलिनियर है तो इसका मतलब क्या होगा, स्लोप ऑफ पी क्यू बराबर क्या, स्लोप ऑफ क्या, स्लोप ऑफ क्यू आर, हाँ या ना, स्लोप ऑफ क्यू आर। अब बताओ, कैन यू फाइंड स्लोप ऑफ पी क्यू, पी क्यू का स्लोप निकाल सकते हो, पी से क्यू, तो ये एक्स वन वाई वन हो गया, ये एक्स टू वाई टू हो गया, अरे हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो, स्लोप बोलो क्या होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो क्या होगा, दिस माइनस दिस, अरे स्लोप में वाई टू माइनस वाई वन ना, पहले वाई टू माइनस वाई वन, तो क्या होगा, वाई वन माइनस के, अरे हाँ, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो यानी एक्स वन माइनस एक्स, ये स्लोप ऑफ पी क्यू हो गया, नहीं आई बात समझ, इसका स्लोप निकालना है, दिस माइनस दिस, दिस माइनस, स्लोप हो गया बराबर, किसका स्लोप, क्यू आर का, क्यू आर का स्लोप वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन, कोई दिक्कत भाई, ठीक है, ये आ गया, यहां तक आ गया। अब क्या करते हैं, मुझे तो ये लाना है, ऐसा लाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, किसी को कोई दिक्कत, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो क्या आएगा, वाई वन माइनस के, वाई वन माइनस के इंटू में क्या, एक्स टू माइनस एक्स वन, ध्यान से देखना बराबर, इसको इधर ले जाते हैं तो एक्स वन माइनस एच बराबर क्या, वाई टू माइनस वाई वन, क्लियर है भाई। अब देखते हैं मुझे क्या प्रूफ करना है, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं। देखो मुझे चाहिए एच माइनस एक्स वन, क्या चाहिए, और वाई टू माइनस वाई वन चाहिए, देखो वाई टू माइनस वाई वन ठीक है, क्या चाहिए, एच माइनस एक्स वन चाहिए, लेकिन ये तो एक्स वन माइनस एच है, झंड हो गई, झंड हो गई, तो क्या आप उसको एच माइनस एक्स वन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्या करोगे, माइनस कॉमन ले लोगे, ठीक है। और देखते हैं यहां पर क्या है, के माइनस वाई वन, ओ ये तो वाई वन माइनस के है, झंड हो गई,
इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा के माइनस वाई वन, और क्या चाहिए एक्स टू माइनस एक्स वन, तो इसको इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। बोलो क्या करने वाला हूं मैं, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो बोलो क्या होगा, ये प्लस का ये माइनस का, के माइनस वाई वन हो जाएगा, और ये ऐसा कैसा लिखा है एक्स टू माइनस एक्स वन, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा एच माइनस एक्स वन, और क्या आ गया वाई टू माइनस वाई वन। कोई दिक्कत भाई, आप बताओ कुछ दिख रहा है, ये माइनस माइनस काट दो। अब देखते हैं क्या है, ये आंसर है हमारे पास। अब देखो लाना क्या है मुझे आंसर, ध्यान देखते हैं। आंसर ये एच माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन, तो ये वाला पार्ट इधर चाहिए और ये वाला पार्ट क्या? राम बराबर श्याम, तो क्या मैं श्याम बराबर राम नहीं लिख सकता? ये बराबर ये है, मतलब ये बराबर ये है, इसको घुमा के लिख दो यार, क्या फर्क पड़ेगा। तो एच माइनस एक्स वन एंड वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू क्या होगा के माइनस वाई वन एंड एक्स टू माइनस एक्स वन। क्या प्रूफ करना था, समझ में आया भाई? क्या दे रखा है, तीन पॉइंट कोलिनियर है, जैसे देखा तीन पॉइंट कोलिनियर तो आपको पता है कि इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होगा बराबर, तो स्लोप इसका स्लोप बराबर, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप निकाल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर पक्की बात है, लिखो।